Hello students, today I will start the quadratic equation, okay? इसके बारे में आप लोगों को मैं पहले भी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ मैं जो आप लोगों का सेकेंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिफरेंस समझिए पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन व्हाट पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल पावर वन पावर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैं सब बता चुकी हूँ आपको मैं बट दोनों में डिफरेंस क्या सपोज यू राइट लाइक दिस 3x प्लस 5 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 दिस इज पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है जो भी है पावर वन बट इक्वल्स टू 6 या इक्वल्स टू 9 दिस इज कॉल्ड इक्वेशन तो सो दिस इज इक्वेशन दिस इज इक्वेशन दिस इज इक्वेशन क्लियर बट पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कि जो पावर्स हैं ओनली होल नंबर हैज ओनली होल नंबर मीन्स पावर जीरो हो सकती है वन टू थ्री फोर बट होल नंबर इफ माइनस वन इट मीन्स वन अपॉन एक्स माइनस टू और वन अपॉन एक्स स्क्वायर और रूट टू सॉरी ये रूट एक्स तो पावर मिस हाफ इज नॉट अलाउड इन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में सिर्फ पावर्स होल नंबर में होंगे अब सपोज ये है इसमें हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है तो जैसे पॉलिनोमियल में कराता है कौन सी पॉलिनोमियल है तो जो पॉलिनोमियल वो कौन सी पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर टू मीन्स जिसके टू जीरो अब इसमें हम इसको सॉल्व करके देखेंगे सॉल्व करने के बाद में फिर देखेंगे जैसे हमने पॉलिनोमियल के सेम जब इसको सॉल्व करा एक्स स्क्वायर पहले नीचे फ्रैक्शन यहाँ पर डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे मीन्स एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पावर फोर वन और देयर इज एक्स स्क्वायर मीन्स इसको इधर लाएंगे इक्वेशन फॉर्म में हाईएस्ट पावर फोर तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दैट सेकेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इट मीन्स इसको हम पहले सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद देखते हैं तभी विदाउट सॉल्विंग आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे सॉल्व करके देखेंगे यदि एक मार्क्स में तो ओरली आपने सॉल्व कर लेंगे टू मार्क्स में प्रॉपर इसको वर्किंग करनी पड़ेगी इसे सॉल्व देखिए ये वाले को करिए ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम 12x स्क्वायर प्लस 3 28x इक्वल्स टू 0 इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड वन सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1 तो ये तो कैंसिल हो गया इट मीन्स हाईएस्ट पावर इसमें क्या आ गई 1 सॉल्व करेंगे 1 तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज लीनियर इक्वेशन अब देखिए लीनियर एंड क्वाड्रेटिक जैसे पॉलिनोमियल में उसी तरह से लीनियर पॉइंट मीन्स पावर वन हाईएस्ट पावर वन लीनियर हाईएस्ट पावर टू क्वाड्रेटिक इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन A is not equals to 0. This is not allowed. यदि A 0 हो गया, तो it means this is also, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो highest power से 1 हो जाएगी. ये equation हो गई linear. So, A is not equals to 0. B भी 0, C भी 0. Suppose 4x square equals to 0 is a quadratic equation. Like that, 4x square plus 7 equals to 0 is also quadratic equation. But A is not equals to 0. At least, at most, power of x equals to 2.
क्लियर। ओके, अब इसमें हम जब पॉलिनोमियल था वहां हम बात करते थे जीरो की, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस आई है जीरो टू, तो जो उसके जीरो हैं यहां बात करेंगे रूट की, तो सेम थिंग है दोनों, सेम थिंग है। मीन्स यहां पर वहां जीरो की बात करते थे, यहां रूट की बात करेंगे। इट मीन्स जो रूट है वो जो वहां जीरो है वहां इसके रूट है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहां पे इक्वल्स टू जीरो करके निकालेंगे, उसके रूट निकाल लेंगे। तो वहां हम जीरो की बात करते थे पॉलिनोमियल में, यहां हम बात करेंगे रूट की, इट मीन्स सेम है। क्लियर? ओके राइट। अब देखिए, अब सपोज यहां पर ये है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यदि जो इक्वेशन है कि जैसे कि सपोज पी एक्स, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो मैंने आपको बताई, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पी एक्स मतलब कि कोई भी नॉर्मल वे में इसको हटा दीजिए, ये तो खैर है ही नहीं, इसको आप हटा दीजिए यहां पर, ये तो ये क्या बन गई पॉलिनोमियल, और इक्वल्स टू कर दीजिए तो वो बन गई इक्वेशन। सो पी एक्स यदि वन मार्क्स में आएगा, पी एक्स इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इज क्वाड्रेटिक। पी एक्स क्या है, फंक्शन हुआ एक तरह से, पी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब वेरिएबल उसमें एक्स होगी। पी एक्स की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वाई भी लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल क्या है उसमें वाई है। तो इसका थोड़ा मीनिंग लिखने का होता है, क्योंकि एक्चुअली छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वही बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में समझ में नहीं आता इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैं छोटी छोटी सी बातों को आप लोगों को बताती हूँ। अब एक इसमें और होता है कि जैसे वहां पर जीरो था, मान लीजिए कोई इसका जीरो है तो वैल्यू टू है, और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें वैल्यू रखने पर टू आंसर जीरो आना चाहिए। इसी तरह इसमें है, यदि उसका एक रूट ये है तो इसकी वैल्यू यदि हम उसमें पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। मैं भी उस तरह के आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, इसमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 2x + 1, तो x = 1 इज द जीरो ऑफ दैट। ये प्रूफ करिए, कुछ नहीं करेंगे, यहां पर इसकी जगह 1 पुट कर देंगे हम, इक्वल्स टू जीरो इंटू 1 + 1 इक्वल्स टू जीरो, 3 - 2 + 1 इक्वल्स टू जीरो। अब बताइए एक्स स्क्वायर, ये इसका जीरो है, देखिए यहाँ 3 आया, यहाँ 2, इट मीन्स क्या 4 - 2 इज नॉट अ जीरो, आंसर नो हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम इस वाले में, ये देखिए यहाँ पे रूट टू वैल्यू रखिए, इसमें रूट टू, इसमें इक्वेशन ये है x² √2x - 4 इक्वल्स टू, इक्वल का करते इक्वेशन बोलते हैं उसे हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, मतलब पॉलिनोमियल बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रुक राइट, अब यहाँ पे रूट टू हम रखते हैं, देखिए रूट टू यहाँ रखेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 - 4 यस, 2 - 4 - 4 इक्वल्स टू जीरो यस हो गया। अब यहाँ रखते हैं 2 √2 एक्स की जगह, 2 2 = 4 + 2 2 = 4 - 4, 2 √2 का स्क्वायर हमने करेंगे तो 2 2 = 4 2 = 8 √2 2 2 = 4 - 4 इट मीन्स नॉट। तो सिंपल है ये वाले क्वेश्चंस में कि यदि ये बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो ये क्वेश्चंस आते हैं 1 और 2 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इसका, ये सब आपने 9th क्लास में भी करे हुए आए थे। क्लियर? तो ये इसको हम ऐसे भी वहां देखे था, जीरो है कि नहीं है इसका, इसका ये इसका रूट है, यहाँ पर रूट वाली बात करेंगे, रूट है इसका है कि नहीं है। सिंपल इसमें ये होता है कि जैसे कि सपोज x = α, इसको एस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज अ रूट ऑफ f(x = 0 इफ एंड इफ ओनली एफ
जो अल्फा है ये अल्फा इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू अल्फा मीन्स जैसे यहां पर था एक्स इक्वल टू वन, रूट इज द रूट ऑफ द एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स ही हुई जीरो। इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स क्या हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इफ एंड इफ ओनली एफ अल्फा इक्वल टू जीरो मीन्स एफ वन इक्वल टू जीरो। ये लिखने का मेथड होगा कि ये या तो पूरा के पूरा लिख दीजिएगा आप ये उसके बाद सॉल्व करिएगा, या ये लिखे एक्स इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पहली एफ एक्स लिख दीजिएगा ये। इफ एंड इफ ओनली एफ एक्स इक्वल टू एफ एल वन इक्वल टू जीरो, क्लियर। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा। अब देखिए इसी पर बेस्ड ये है कि इसका एक रूट क्या है, टू है, यहाँ पर एक रूट टू है। के की वैल्यू बताइए, नॉर्मल है इसकी जगह रख देंगे हम, टू टू जा फोर आ जाएगा, टू इंटू टू फोर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू रख दीजिए यहाँ पर, फोर के प्लस वो ये सब क्वेश्चन आपने नाइन्थ क्लास में करे हुए हैं, फोर के इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन बाई फोर माइनस वन, नॉर्मल सॉल्विंग है। अब यहां बताना है, यहां बताने ए और बी की दो वेरिएबल की वैल्यू, तो दो पहले मीन्स यहां पे दो इक्वेशंस बनेंगी इक्वल टू जीरो, दो इक्वेशंस बनेंगी। यहां पहले टू बाई थ्री लिखेंगे, ए इंटू टू बाई थ्री में डायरेक्ट स्क्वायर कर देती हूं, चलिए कर देती हूं पूरा पूरा सॉल्व, ए टू बाई थ्री स्क्वायर प्लस सेवन इंटू टू बाई थ्री प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करेंगे इसको, टू टू जा फोर, फोर अपॉन नाइन ए प्लस फोर्टीन बाई थ्री प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, क्लियर। एक इक्वेशन इमेज थोड़ा इसको ऐसे लिख लेंगे, फोर अपॉन नाइन ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस फोर्टीन अपॉन थ्री। सेकेंड वन, अब हमने माइनस थ्री रखा है यहाँ पर, माइनस थ्री मैं डायरेक्ट देखती, थ्री थ्री जा नाइन मीन्स नाइन ए, देयर इज माइनस ट्वेंटी वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, सेवन नाइन ए प्लस बी इक्वल्स टू ट्वेंटी वन, मैं बीच वाली हटा ही देती हूँ। तो दो इक्वेशंस बन गई अभी, अब दो इक्वेशंस बन गई, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे जैसे कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर है, कैसे करेंगे, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, क्लियर। इक्वेशन वन जब माइनस करेंगे तो यहां पर साइन चेंज होगा, माइनस करने में क्या होता है, साइन चेंज होगा, ये बी से बी कैंसिल हो गया, फोर अपॉन नाइन ए प्लस नाइन ए को ऐड करेंगे, एलसीएम इज नाइन, फोर ए प्लस नाइन नाइन जा एट्टी वन ए, क्लियर। यहां मैं रब कर देती हूं इसको, ये क्या आया यहां पर, ये 81 प्लस 4 85 अपॉन 9a, अब यहां माइनस 14 अपॉन 3 माइनस 14 अपॉन 3, ये भी माइनस का बन गया, वो भी माइनस का हो गया, माइनस 21, अगेन एलसीएम इज 3 माइनस 14 माइनस 63, इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए की जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ करेंगे, ए को सब्जेक्ट बना लेंगे, ये सब चीज़ें आपने करी हुई पहले से, तो ए को सब्जेक्ट, ए की वैल्यू आ गई, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन वन या इक्वेशन टू किसी में भी पुट कर लेंगे, मतलब कि नाइन है चलो सेकेंड में कर लेंगे, ए की जगह यहाँ रख देंगे प्लस बी इक्वल्स टू 21, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके बी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस तरह से सॉल्व होगा ये, अंडरस्टूड। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन जैसे ये आ जाता है,
इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, कि जैसे आपने सेकंड वाले में करें कि एक इसका रूट क्या है, एक रूट दूसरे रूट का डबल है, मीन्स यदि एक ए है तो दूसरा क्या है, या सिक्स टाइम है, सिक्स ए हो गया। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, सपोज यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x² + px + 7, तो हमें p की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये नहीं, और यहाँ पर भी सपोज लिख रखा है यहाँ पर ये r, तो r और p की वैल्यू बताइए। तो वही एक बार हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, दूसरी बार क्या रखेंगे इसमें, 6 से रखेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट बना लेंगे, इस एक्स की जगह हम पुट करेंगे। क्लियर, नॉर्मल क्वेश्चन है। या ये बताया कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक a हुआ, दूसरा वाला 1/a हुआ। इन वाले क्वेश्चंस को जैसे कि आपने सेकंड वाले एक्सरसाइज में करा है कि रूट के अकॉर्डिंगली कि सम ऑफ रूट करा है, α+β = माइनस कोफिशियंट ऑफ x² अपॉन, सॉरी, माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x² प्रोडक्ट ऑफ 0 = यहां पे रूट की बात करेंगे, = माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x². तो यहां पर जो हमने माने हुए a+6 से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -p/r। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 0 दूसरे में क्या हो जाएगा, 6a² इक्वल्स टू 7/r। r क्या हुआ, एक ही टर्म में आ गया, उसको यहां पुट कर देंगे, p को सब्जेक्ट बना लेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से करके आपने करा हुआ है उसमें सेकेंड एक्सरसाइज में, चाहे दो इक्वेशन बना लीजिए, एज यू लाइक। अच्छा, अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के आप क्या 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, 3 मेथड्स हैं। अब एक तो है बाय द फैक्टराइजेशन, बाय द फैक्टराइजेशन। सेकेंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन आपके मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, मतलब के उसके दो रूट होंगे तो दो रूट वो निकालने। क्लियर, पहले वाला फैक्टराइजेशन आपने काफी करा हुआ है, बाय द मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। जैसे सपोज, जैसे यहां पर है 3x² + 9x + 6, ये सपोज है यहां पर, ये क्लियर। तो इसको हम क्या करते हैं, बीच की मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ये आपने करे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी होगा। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये वाला जो है, इसको मैं बताऊंगी जब आगे बताऊंगी, वो बता दूं, पर ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूलेज में करेंगे। चलिए फॉर्मूला बता देती हूँ, x² - b + - b² - 4ac/2a। अब ये क्या होता है, ये सब मैं अगले उसमें आपको बताऊंगी कैसे इस पे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आएंगे।